जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जो कि माइटोसिस का टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस। एमडीकैट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके बेसिकली चार इम्पोर्टेंस है जो कि हमारी बुक में मेंशन, जो आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। उन चारों के अंदर से एमसीक्यूज बनता है, इजाफी कोई एमसीक्यूज वहां से नहीं आता। तो बुक में से ही एमडीकैट का जो एमसीक्यूज बनते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर से MCQs या मेन पॉइंट्स बन सकते हैं। अच्छा देखिएगा, जो माइटोसिस है बेसिकली ये आपको बॉडी सेल्स के अंदर नजर आती है, जिसका नाम है सोमेटिक सेल्स। जब बॉडी सेल्स की तादाद को ज्यादा करता है माइटोसिस, तो आपको पता है वो इंसान या वो एनिमल अपनी बॉडीज के लिहाज से डेवलप होता है और ग्रोथ करता है। तो इसी लिहाज इसका पहले जो इंपॉर्टेंस है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, इन सब की जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ, ये माइटोसिस के जरिए से होती है। इसी तरह देखा जाए, आपके पास जितने भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल करने वाले हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होती है या क्या पाई जाती है? माइटोसिस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी माइटोसिस का ही प्रोसेस होता है, इसके अंदर भी माइटोसिस का ही प्रोसेस होता है। इसी तरह देखा जाए तो आपको पता है कि लीजर्ड की टेल है, अगर टेल टूट जाए तो आपको पता है लीजर्ड दोबारा टेल बना लेती है, और उस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। ऐसे स्टार फिश में देखा जाए, उसकी आर्म टूट जाए तो वो दोबारा अपनी आर्म को बना लेती है, वो कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस का प्रोसेस है। अगर देखा जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन, और रीजनरेशन के अंदर भी बेसिकली जो प्रोसेस चल रहा है वो माइटोसिस का प्रोसेस चलता है। एक टिश्यू से पूरे प्लांट को बना लेना, उस टिश्यू की जो डिवीजन होती है वो भी बेसिकली कौन सी होती है? माइटोसिस। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग, तो जो टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस है, बेसिकली एक टिश्यू से पूरा प्लांट बनाना, ये भी जो इसके अंदर प्रोसेस चल रहा होता है वो माइटोसिस का होता है। जैसे कि रीजनरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, आपको लाजमी तौर पर पता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चल रहा रीजनरेशन का प्रोसेस वो है हीलिंग ऑफ वाउंड, जख्मों का भरना। तो जो हीलिंग ऑफ वाउंड है, हमारे जख्मों का भरना, ये भी बेसिकली देखा जाए ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। इसी तरह अगर देखा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, बेसिकली ये मैं इसीलिए इसको इन डिटेल में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि जितना सिलेबस हमें मेंशन किया गया है, हमें उतने ही सिलेबस के अंदर रहना पड़ता है एमडीकैट के सिलेबस के लिहाज से। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में देखा जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एक नस्ल से अगली नस्ल में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। जैसे मेरे वालिद साहब के पास 46 क्रोमोसोम है, तो मेरे पास भी 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब मेरी आगे जो नस्ल आएगी उसके पास भी 46 होगी। तो जनरेशन से जनरेशन तक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखती है वो बेसिकली मियोसिस है। तो मियोसिस का सबसे पहला रोल मेंटेन करना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखती है, तो वो आपको पता ही है वो मियोसिस होती है। अब मियोसिस का सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो बेसिकली मियोसिस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल जेनेटिकली डिफरेंट होता है, जिसके अंदर देखा जाए एक ऐसा प्रोसेस मियोसिस के अंदर चल रहा है जिस वजह से हर पर्सन एक यूनिक पर्सन है, और वो प्रोसेस जो मियोसिस के अंदर चल रहा है उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक तो ये चीज है जो यूनिक पर्सन बनाती है, और दूसरी है लॉ ऑफ असोर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो एक है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जिस वजह से जो हर पर्सन है वो यूनिक बनता है
मॉडिफिकेशन उसके जीनोम के अंदर आती है, तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से अगर देखा जाए वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है, हर इंडिविजुअल में वेरिएशन आती है या मॉडिफिकेशन होती है जीनोम के अंदर, जेनेटिक मटेरियल चेंज होते हैं। तो जीनोम में मॉडिफिकेशन आना और वेरिएशन, ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। इसी वजह से आपको पता है हम डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम इवोल्व होते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो मियोसिस है, मियोसिस ये बेसिस है इवोल्यूशन की। तो जो आपके पास मियोसिस है बेसिकली ये बेसिस ऑफ इवोल्यूशन है। तो जो इवोल्यूशन की बुनियाद है वो दो चीजें होती हैं, एक इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट के साथ साथ दूसरी जो चीज है वो मियोसिस है जो कि इवोल्यूशन करवाने में हेल्प आउट करती है। तो एक इन्वायरमेंट बताया मैंने, इंशाल्लाह जब इवोल्यूशन में कुछ पढ़ेंगे तो वो बताऊंगा इन्वायरमेंट कैसे करता है। तो एक इन्वायरमेंट है जो इवोल्यूशन में हेल्प आउट करती है और एक कौन है मियोसिस। तो ये बेसिकली देखा जाए इंपॉर्टेंट है माइटोसिस और मियोसिस का।